ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, हर कोई हमेशा तुम्हारी बात से खुश हो ये तो संभव नहीं है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेंगे और कुछ लोग परेशान होंगे। उस पल ये बात याद रखना, हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि हमेशा रहेगी। मैं तुम्हारे घर में प्रेम, सुख, शांति और प्रकाश के रूप में रहता हूँ। तुम्हारे हृदय से ज्यादा सुंदर इस जगत में कुछ भी नहीं है। तुम्हारा हृदय ही मेरा घर है। मेरे करीब आने के लिए तुम्हें सही रास्ता तलाशने की जरूरत नहीं है। मेरे करीब आने के लिए तुम्हें सिर्फ ईमानदारी और करुणा से आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम जैसे हो बिल्कुल वैसे ही। भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, जितना भला कर पाओ करते जाना। जो तुमसे प्रेरणा चाहते हैं उन्हें प्रेरणा देना। अपना कर्तव्य बिना रुके निभाते जाना। तुम्हारे अंदर जो पवित्रता है उसे साई कहते हैं। तुम्हारे अंदर की दिव्यता को साई कहते हैं। दूसरों के बारे में सोचने में अपना वक्त जाया ना करना। दूसरे क्या कहते और करते हैं इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखो, अपने कर्म और विचारों पर। तुम्हारा जन्म ही एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह हमेशा हूं। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूं। तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिला है, तुम्हारे लिए सब शुभ है, सब शुभ ही होगा। अपने साईं के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो। तुम्हारी हर एक मुस्कान मुझे बेहद पसंद है। जय साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। जिसके दामन में हम सब भक्तों के लिए जन्नत है, जिसका नाम एक बार दिल से लेने से ही जन्मों जन्मों के कष्ट मिट जाते हैं, ऐसे दिव्य ब्रह्मांड नायक सदगुरु श्री साई बाबा के श्री चरणों में हम सब अपना सर झुकाते हैं। बाबा का नाम युगों युगों तक इसी तरह चारों दिशाओं में गूंजता रहे। अब हम सब हाथ जोड़कर, आंखें मूंद कर बाबा का ध्यान करेंगे। बाबा
आप सबकी मनोकामना पूरी करें। ओम साई राम। जय साईं राम।